समाजवादी पार्टी के जिलाध्यक्ष राजमंगल यादव की मौजूदगी में भाजपा छोड़कर समाजवादी पार्टी के बहादुरपुर निवासी ब्रज किशोर सिंह ने सपा के जिला कार्यालय पर सपा के सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ पार्टी की विधिवत सदस्यता ग्रहण किया। आनंद शुक्ला शुक्ला जी एक मंत्री, एक जिम्मेदार व्यक्ति, आनंद शुक्ला जी को बयान नहीं देना चाहिए। बयान को मैं निंदा करता हूँ और समाजवादी पार्टी से मैं मांग भी करता हूँ और बलिया की जनता से मांग करता हूँ कि आनंद शुक्ला के उचित बयान पर समाजवादी पार्टी का एक कार्यकर्ता और नौजवान यदि इसी तरह से बयान देंगे तो उस बयान का ही इनका जवाब पत्थर से दिया जाएगा। आज भारतीय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी के निर्देश पर प्रदेश अध्यक्ष की संस्तुति पर आज मैं समाजवादी पार्टी कार्यालय पर भारतीय जनता पार्टी के बैंक का कई शिक्षक संस्थाओं के लिए प्रबंधक हैं, कोऑपरेटिव बैंक के डायरेक्टर भी रहे। भारतीय जनता पार्टी के गलत नीतियों से दुखी होकर के, नाराज होकर के समाजवादी पार्टी की आज सदस्यता लिए हैं और इनके आने से, ब्रजकिशोर सिंह जी के आने से समाजवादी पार्टी की ताकत बढ़ेगी, समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। हर वर्ग, हर समाज को ब्रजकिशोर सिंह समाजवादी पार्टी के नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को, माताओं को, बहनों को ब्रजकिशोर सिंह जोड़ने का काम करेंगे। इनके आने से समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। तो जो पार्टी ज्वाइन किया ब्रजकिशोर सिंह, ये पहले किस पार्टी के थे? ये ब्रजकिशोर सिंह भारतीय जनता पार्टी के थे। भारतीय जनता पार्टी की गलत नीतियों से दुखी होकर के समाजवादी पार्टी ज्वाइन किए। सर, अभी कल देखा है कि प्रधानमंत्री का कृषि तीन संसदीय कार्य मंत्री आनंद शुक्ला का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों की सम्मानित पार्टी है और अखिलेश यादव मुसलमान। मुख्यमंत्री आनंद शुक्ला का बयान आया है कि समाजवादी पार्टी आतंकवादियों। जी सर, आपका परिचय? ब्रजकिशोर सिंह। पहले किस पार्टी में थे आप? पहले हम कांग्रेस, बहुत पहले कांग्रेस में थे, फिर भाजपा में, भाजपा से अब सपा। क्या ऐसे कारण है कि जो भाजपा छोड़ के सपा में? बहुत असंतोष है, बहुत असंतोष है जी। सबसे बड़ा असंतोष यह है कि जो भी कर्मचारी अध्यापक रिटायर्ड हो रहा है उसको जो है पेंशन बनाने के लिए रुपया दिलाता, पैसा हमारा और उसमें बंटवारा कर रहा है, जीपीएफ हमारा और उसमें पैसा मांगते। कितना पैसा मांगा जाता है डीआर साहब? 4% मांगा जा रहा है। अब डंके के चोट पर, डरने वाले थोड़े हैं। डंके के चोट कौन मांगता है? कौन मांगता है? मतलब जो कहा जा रहा है भाजपा के लोग कहते हैं कि जीरो तो किस लिए पैसा? पेंशन आप कब भी मिल जाएगा, बन जाएगा। पेंशन के लिए पैसा मांगते हैं? कौन मांगता है? तो जो लोग भाजपा के लोग कहते हैं।